पे ढेर सारे बंदर रहते थे। कौन रहता था? ढेर सारे बंदर रहते थे। तो बंदर क्या करते थे? आपस में खेली खेली, मतलब खेलते थे जंगल में, खूब खेलते थे। इस पेड़ पे लटकना, उस पेड़ पे लटकना, यहाँ कूदना, वहां कूदना, ये खाना, वो खाना, तोड़ तोड़ के दिन भर यही करते रहते थे जंगल में वो लोग। तो फिर एक दिन क्या हुआ, रात हो गई। जब रात हुई, तो जब रात हुई तो रात में वो लोग अपना खेल रहे थे। खेलते खेलते वो लोग एक तालाब के किनारे पहुंचे। तालाब में उन्होंने देखा ऐसे करके, तो उन्हें क्या दिखा तालाब में? पानी। पानी। पानी में क्या दिखा? पानी में उनको दिखा चंद्रमा मामा, चंदा मामा की परछाई। क्या दिखी? ऊपर से चंदा मामा जो है पूरा, उसमें पूर्णिमा थी और पूरा गोल गोल चांद चमक रहा था। और वो चांद कहाँ दिख रहा था? उस तालाब के पानी में। कहाँ दिख रहा था? तालाब के पानी में वो चंदा मामा की जो है वो परछाई दिख रही थी। अब एक बंदर जो कूद रहा था, खूब कूद रहा था, उसने कहा, अरे चंदा मामा पानी में गिर गए। क्या कहा? चंदा मामा पानी में गिर गए, देखो भागो, चंदा मामा पानी में गिर गए। अच्छा, उसने ये कहा तो सारे बंदर दौड़ पड़े। सबने कहा, अरे चंदा मामा तो पानी में गिर गए, अब क्या करें? सब परेशान, सब बहुत परेशान। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि बोले, आप चंदा मामा को बचाएं कैसे? चंदा मामा तो पानी में गिर गए, इनको बचाएं नहीं, क्या करेंगे है? तो फिर उन्होंने क्या किया कि बोले कि बहुत दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगाया। फिर बोले कि वो जो ऊपर पेड़ की डाल है, उससे हम लोग एक दूसरे का पैर पकड़ के लटकते हैं, और लटकते लटकते रस्सी ऐसा बनाते हैं, और जाके पानी में से चंदा मामा को निकाल लाते हैं। बैठ जाओ बेटा। तो फिर उसके बाद ऊपर एक बंदर लटका, दूसरा बंदर उसको पकड़ के लटका, तीसरा उसको पकड़ के लटका, चौथा उसको पकड़ के लटका, पांचवा ऐसे करके लटकते लटकते सारे बंदर लटक के पानी तक पहुंच गए। अब जब पानी तक पहुंच गए तो उन्होंने कहा कि भाई अब चंदा मामा को बाहर निकालो। बोले, चंदा मामा को अब बाहर निकालो। तो जो सबसे नीचे वाला बंदर था, उसने जैसे ही ऐसे करके हाथ डाला तो क्या हुआ, पानी हिला और चंदा मामा की परछाई भी हिल गई। उसको तो समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, उसको लगा चंदा मामा गिरा, चंदा मामा की पकड़ में ही नहीं आ रहे। फिर उसने हाथ डाला, फिर जैसे उसने किया तो फिर क्या हुआ, फिर पानी हिला और फिर क्या हुआ, परछाई हिल गई।